हेलो एवरीवन, तो हम लेकर आए हैं वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन पाइथन। आओ मिलकर सीखें और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं हम वीडियो लेक्चर्स पे। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज पाइथन। पाइथन इज अ सिंपल डायनेमिकली टाइप पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड ऑन वेब डेवलपमेंट एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस। तो पाइथन जो है वो सिंपल लैंग्वेज है, बहुत इजी लैंग्वेज है और कुछ सिंपल कोड्स में ही हम वो प्रोग्राम रन कर पाते हैं जो सी और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज में नंबर ऑफ कोड्स से रन किए जाते हैं। मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ कोड्स ज्यादा टाइप करने पड़ते हैं और पाइथन में लेस नंबर ऑफ कोड्स से हम उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो जूजो वैन रोशम हैं जिन्होंने पाइथन को क्रिएट किया और उसको रिलीज किया 1991 फरवरी में, और इट्स सोर्स कोड इज ऑल्सो अवेलेबल अंडर द लाइसेंस GNU, विच इज मीन्स जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL। इट कैन बी यूज एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इंटीग्रेटेड इजीली विद सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। तो जिनको सी और सी प्लस प्लस या जावा लैंग्वेज आती है उनके लिए पाइथन बहुत ही आसान उनको लैंग्वेज लगती है, और पाइथन बाकी सारी लैंग्वेज से कंपैरेटिवली आसान भी। पाइथन हैज अ कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दैट कैन बी यूज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस, वेब फ्रेम्स लाइक डेजिंगो जो यूट्यूब में यूज हो रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग एंड वेब स्क्रैपिंग। पाइथन इज जनरली इजी टू इंस्टॉल मैनी लाइनेक्स यूनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन नाउ अडेज इंक्लूडिंग रीसेंट वर्जन ऑफ पाइथन। इवन सम विंडोज कंप्यूटर्स स्पेशली HP वंस नाउ कम विद Python pre-installed. Without installing, you can use Google Colab to run the Python program. तो Python programs को run करने के लिए आपके system में Python language होना चाहिए। अगर आप install नहीं करना चाह रहे हैं, without installing, you want to run Python program, तो you can run Python program on Google Colab. तो Google Colab जो एक platform है Google का, तो उसपे हम क्या करेंगे? Python programs को run करके देखेंगे। एडवांटेजेस ऑफ पाइथन लैंग्वेज, क्या क्या एडवांटेजेस है पाइथन लैंग्वेज के? तो पाइथन अलाउज प्रोग्रामर्स टू एक्सप्रेस कंसेप्ट इन फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड्स, डेवलपिंग वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर, टास्क ऑटोमेशन, डेटा एनालाइज एंड डेटा विजुलाइजेशन, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कंप्यूटिंग एंड गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट में भी जो है पाइथन लैंग्वेज यूज होती है। इट इज रोबस्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, पोर्टेबल, फ्री एंड मल्टी प्लेटफॉर्म्स। तो अब हम क्या करेंगे, गूगल कोलैब पे प्रोग्राम्स को रन करके देखेंगे। पाइथन के लिए हम अलग से लेक्चर्स नहीं बना रहे हैं, तो हम गूगल कोलैब पे प्रोग्राम को रन करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे रिलेटेड जो डेटा है वो हम आपको शेयर करेंगे। साथ में जब डेटा हम जब हम कोड्स फॉर्म करेंगे, प्रोग्राम रन करेंगे, तो उससे रिलेटेड छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और एवरी डे टू वीडियो लेक्चर्स हमारे आएंगे, तो आज फर्स्ट डे है, टू वीडियोज आएंगे और डेली आपको टू वीडियो यानी कि टू प्रोग्राम्स डेली आपको अपडेट करेंगे। तो आज हम सिंपल हेलो पाइथन प्रोग्राम रन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और धीरे धीरे हम इसको सब्ट्रैक्शन, धीरे धीरे मैथमेटिकल फॉर्मूले पे प्रोग्राम्स आगे बढ़ाते चलेंगे और इससे रिलेटेड की पॉइंट्स डिस्कस करते चलेंगे। तो जुड़े रहिए और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, तो और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अभी कैसा लगा। अब आप गूगल पर गूगल कोलैब टाइप कीजिए। जब आप गूगल कोलैब टाइप करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, वेलकम टू कोलैब, तो आप इस पर क्लिक करिएगा। वेलकम टू को लेबोरेटरी, अब यहाँ पे आप कोड पे क्लिक करिएगा। कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे अब हम पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं, हेलो पाइथन यूजिंग प्रिंट फंक्शन। और प्रिंट फंक्शन कैसे यूज करते हैं, हम पहले प्रिंट लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट बना के इन्वर्टेड कॉमा में जो भी मैसेज टेक्स्ट हमें प्रिंट कराना होता है उसको टाइप करते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी मैसेज आप टाइप करेंगे उसको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करता है और आउटपुट पे आपको मिल जाता है। तो
हेलो पाइथन लिखने के बाद आपने क्या किया, रन सेल पे क्लिक किया, रन सेल पे जैसे ही क्लिक किया आपको आउटपुट पे हेलो पाइथन मिल गया। द प्रिंट फंक्शन प्रिंट्स द टाइप्ड मैसेज एज इट टू द स्क्रीन।